Sioux Falling Tibetan Settlement Camp, just 4 kilometers away from Meru of Arunachal Pradesh. This is one of the oldest settlements in India for Tibetan people after the invasion of their country by China. यहाँ पर लगभग 4000 लोग रहते हैं। तो चलिए आज उन लोग के पास चलते हैं और देखते हैं इन लोग का लेवली हो, लोग क्या काम करते हैं, किस तरह से जी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट बहुत ही फेमस है, यहाँ पर एक्सेलेंस क्वालिटी कारपेट बनाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर विजिट करते हैं। जी हाँ, वाकई बहुत मेहनत का काम है, यहाँ के महिलाएं बहुत एक्सपर्ट होते हैं, इसमें अलग अलग साइजेस में बनाए जा रहे हैं। ये एक कारपेट बनने के लिए लगभग 7 दिन से लेके 20 दिन जैसे लगते हैं। कंप्लीट होने के बाद फिर इसको नेक्स्ट रूम में इसको सीट किया जाते हैं स्टोर में, तो वो आप ही स्टोर में चल के देखेंगे। तो चलिए उस तरफ। नमस्ते सर, आप लोग जो है इतना लेबरिया से इतने मेहनत करते हैं, ये वर्ल्ड क्लास कारपेट जो है बनते हैं वकी। हाँ, मैंने अभी कुछ देखा है, बहुत अच्छा कारपेट बन रहे हैं यहीं पे। ये जो कारपेट यहीं पे लगा हुआ है, तो ये इधर में सेलिंग होते हैं या आप कहीं बाहर आप सप्लाई करते हैं? इधर में सेलिंग करते हैं आप लोग। तो इसका प्राइस आप बता सकते हैं? जी, ये है 9x6। जी, 9x6 का प्राइस। जी जी, 33,280। इसके बाद 4x7 है। 4x7 इसका है 17,360। वो तो बैठने के लिए। इसके बाद 2x4 का। तो ये पे आप लोग ऐसे फिक्स हिसाब से सेल करते हो या होलसेल? ऐसे होलसेल फिक्स रेट ना? अच्छा अच्छा, तो बाहर में आप लोग सप्लाई नहीं करते हो? सप्लाई नहीं करते सर। अच्छा, खुद कस्टमर आके खुद ले जाते? जी जी, मतलब यहीं पे इधर ही बनते हैं और इधर ही सेल होती है। जी, ठीक है, थैंक यू सर आपका टाइम देने के लिए। अपार्ट फ्रॉम कारपेट्स, इसमें और भी बहुत सारे सामान डिस्प्ले में लगा हुआ है। ये है प्लैक्स, कपड़े, बैग्स, माला, ब्रेसलेट्स, बहुत सारे वेरियंट्स, ये लैपिंग बूटा का थर्मोस प्लग्स और भी बहुत कुछ। क्या देख रहे हैं जी? नाइफ। वाओ, क्या लेना है? बस देख रहा हूँ। काफी मशीन है। लेकिन डर लग रहा है हमको। शो मैम, आप रिसेप्शन में हैं। आज कितना तक सेल किया आप? थोड़ा बहुत हुआ। जानते हैं तिब्बतियन जो है, ये लोग बाहर ये लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। ये लोग कहीं भी जाने से ये लोग जो है अपना मोनेस्ट्री बना लेते हैं। तो देखा जाए तो इन लोग का आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत रिच है और इन लोग का पेंटिंग तो वर्ल्ड क्लास पेंटिंग। तो अभी इन लोग जो है मोनेस्ट्री यहाँ पर भी बनाए हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे मोनेस्ट्री को देखेंगे, तो चलो मोनेस्ट्री को देख लेते हैं। Thank you.
हम लोग मुंह से बोलते हैं जैसे करते हैं। क्या मन्नत मांगा? मन्नत तो कुछ नहीं है। मन्नत तो मांगना चाहिए। ये भी एक दर्शन करने का है, अगर आप कभी भी आते हो तो ये मंदिर के बगल में ही आते हैं। बहुत डीपली पूजा करते हैं इसमें ही के लोग। आप देख सकते हैं इसमें कुछ मंत्र लिखे हैं। ओम माने पे में मंत्र लिखा होगा सर। इसको एक्चुअली कुछ मन्नते मांगते हैं लोग, पूजा करते हैं, कुछ गुड विश जो मांगे जाते हैं। ये है ऑल पीपल सो। ये कैसे हो? क्या नाम है बोलो? चलिए जी, ये घर नहीं है, ये गेट ही है, एंट्री गेट। तो वेल दोस्तों, मैं फिलहाल कर रहा हूँ यहीं पर शिवपलिंग तिब्बतियन सेटलमेंट कैंप पर। तो अभी लगभग पूरे गांव घूम लिए हैं। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया, इन लोग का जो कल्चर जो है काफ़ी रिच है, बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट। तो यहीं के लोग जो है काफ़ी सोशिएबल है, काफ़ी लॉयल है, बहुत प्यार से बातें करते हैं। आप देखेंगे यहीं का लोग जो है काफ़ी वेल एस्टैब्लिश है। इन लोग का गांव इस तरह से एस्टैब्लिश की है, फुल्ली सिस्टमेटिक। हर घर की तरफ ये गली जो है निकल के आते हैं। चारों तरफ देखेंगे अपना फ्लैग लगा के रखते हैं हर गली में, इवन अपने घर में भी। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया, कुछ कुछ घर में खुद का मंदिर बना लिया अपने घर के कंपाउंड में। तो बहुत सारे ऐसा घर मैंने नोटिस किया है। सो वेल दोस्तों, अभी टाइम भी ऑलमोस्ट निकल चुका है, आने में थोड़ा सा लेट हुआ। अभी हम लोग निकल जाएंगे, सूरज भी ऑलरेडी तैल गया। फिर से मिलेंगे एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।